नमस्कार दोस्तों। तो आगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे हमने क्लिक किया हाईलाइट सेल रूल्स। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक जो चल रहा है हाईलाइट सेल रूल्स में। अब आगे देखते हैं, हमने ग्रेटर लेस बिटवीन इक्वल टेक्स्ट दैट कंटेंस देख लिया। तो अब देखते हैं अ डेट ऑकरिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया। तो अब देखो, तो सबसे पहले मैं इसे कैंसिल करता हूँ। सबसे पहले मैं ये डाटा तो आपको समझा दूँ। तो अब मैंने यहाँ पे कुछ डेट्स लिए हुए हैं। आप देखो, 1 से लेकर 10 तक हमने 20, 21 से लेकर 29 अगस्त तक का डेट लिए हुए हैं। और यहाँ पे हमने कुछ मंथ लिए हुए हैं डाटा 2 में, ओके। और हमने यहाँ पे कुछ कलर्स किए हुए हैं, जैसे प्रेजेंट, प्रेजेंट मीन्स प्रेजेंट डेट, आज की डेट जो है वो ग्रीन में हाईलाइट हो जाएगी। येस्टरडे है तो येलो हो जाएगी, टुमारो है तो ये इस कलर में हो जाएगी, और दिस मंथ है तो ये कलर यहाँ पे दिस मंथ के लिए शो करेगा, दिस वीक है तो ये रेड कलर में शो कर सकता है, ठीक है। तो वन बाय वन हम देखते हैं कि कैसे इसका यूज करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ वो एक कंडीशन है। कंडीशन बहुत सारी हो सकती हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। तो ये बस सीखने के लिए है, आप प्रैक्टिस करिए, और इसके अलावा कोई इसका उपाय नहीं है सीखने का, ठीक है। तो देखते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं गया हाइलाइट्स में, वहां से सिलेक्ट किया हमने आ डाटा ऑकर, ठीक है। डेट डेट के लिए है ये। तो यहाँ पे सबसे पहला जो आता है हमारा वो आता है येस्टरडे। आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे एरो पे, कहाँ पे, यहाँ पे कौन सा क्लिक करोगे, लेफ्ट क्लिक, ठीक है। येस्टरडे, तो सबसे पहले येस्टरडे है, फिर टुडे है, टुमारो है, इन द लास्ट 7 डेज है, लास्ट वीक है, दिस वीक, नेक्स्ट वीक, लास्ट मंथ, दिस मंथ, नेक्स्ट मंथ। तो मैंने इसमें से कुछ प्रेजेंट, येस्टरडे, टुमारो, दिस मंथ एंड दिस वीक लिए हुए हैं। आप सारे प्रैक्टिस कर लेना। तो मैंने कुछ लिए हैं ताकि इतने हमने अगर कर लिए तो सारे आसानी से हो जाएंगे। इसे कैंसिल करते हैं। तो सबसे पहले मैं डाटा 1 में जाता हूँ, इसे मैंने पूरा सिलेक्ट कर लिया। कैसे सिलेक्ट करना है आपको पता है, एक बार मैं करके बता देता हूँ। लेफ्ट क्लिक, हमने माउस को होल्ड किया और यहाँ से नीचे ड्रैग कर दिया, ठीक है। मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया, हाइलाइट्स में गया, डेट ऑकरिंग वगैरह, येस्टरडे, ये ऑटोमेटिक डिफॉल्ट सेट है, लाइट ग्रीन, लाइट रेड, तो इसे मैं चेंज करता हूँ। अब मुझे क्या करना है, येस्टरडे है, येस्टरडे मैं येलो में करना चाहता हूँ। तो फॉर्मेट में गया, यहाँ पे सिलेक्ट किया, और ये सिलेक्ट होके ऑटोमेटिक ये आपको अब येलो में बता रहा है कि येस्टरडे जो हमारा है वो 21 अगस्त था, आज है 22, ठीक है। तो 21 ऑटोमेटिक, आपको देखने की जरूरत नहीं है कि क्या है, यहाँ पे डिफरेंट डेट्स भी हो सकते हैं, थाउजेंड्स ऑफ नंबर डाटा हो सकते हैं। आप अगर बहुत सारे रिपीटेड वैल्यूज हैं तो वो सारे येलो हो जाएंगे। तो आपको कहाँ यूज करना है वो आपके ऊपर है। यहाँ पे येलो हाईलाइट हो रहा है, आप देखो येस्टरडे, ठीक है। कल 21 था, बीता हुआ, येस्टरडे बोलते हैं, आपको पता होगा। अब दूसरा कंडीशन लगाते हैं, फिर से मैंने सिलेक्ट किया, ठीक है, प्रेजेंट का लगाते हैं। यहाँ गए, सेम, मैं गया टुडे, मैंने यहाँ प्रेजेंट लिखा हुआ है, वो आप टुडे कर लेना, मैं कर ही देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे, ठीक है। टुडे जो हमारा आएगा वो ग्रीन आएगा। मैं फिर इसे सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे कंडीशन गया, यहाँ पे हाईलाइट्स किया, डाटा में गया, यहाँ पे मैंने टुडे सिलेक्ट किया, और कलर मैं ले लेता हूँ ग्रीन। तो फॉर्मेट में जाने के बाद हमें इस कलर ये लेना है, और हमने कर दिया इसे ग्रीन। अब देखो इसमें टुडे क्या है, ग्रीन ऑटोमेटिक। अब टुमारो, फिर से कंडीशन में जाते हैं, यहाँ जाते हैं हाईलाइट्स, डाटा एंड टुमारो, टुमारो कलर क्या है, कस्टम में गए और यहाँ हमने सिलेक्ट किया
ओके किया। अब देखो टुमारो दिस मंथ, ये तो सारे डेट हो गए ठीक है। अब दिस मंथ में अगर आप यहां भी लगाना चाहोगे तो ये सारे आपके कलर जो है वो हो जाएंगे इस कलर के। चलिए इसको भी लगाते हैं, होता क्या है। यहाँ पे दिस मंथ, ओके। अब देखो दिस मंथ वाले सारे कलर हो जाएंगे इस कलर के, देखिए हो गए। येस्टरडे टुडे के हट चुके हैं यहाँ पे, तो कंडीशन काम कर रहा है दिस मंथ के, ठीक है। इसीलिए मैंने मंथ की कॉलम अलग रखे हुए हैं। अब मैं इसे थोड़ा सा कंट्रोल जेड कर लेता हूँ। अब आप इस डाटा को सिलेक्ट करिए कंडीशन। अब आपको कुछ समझ में आ रहा है कहाँ कंडीशन लगानी है कहाँ नहीं लगानी है, ठीक है। आपको जब पता है कि ये सारे अगस्त के डाटा हैं तो हम यहाँ पे दिस मंथ लगाने की कोई मतलब ही नहीं है। मंथ हम कहाँ लगाएंगे जहाँ पे मंथ भी डिफरेंट। अब देखो यहाँ पे मई जून जुलाई अगस्त सब अलग अलग हैं, तो अब यहाँ पे लगा सकते हो आप दिस मंथ कौन सा दिस मंथ, हमें तो पता ही नहीं आज डेट क्या है। चलिए चेक करते हैं, हाईलाइट्स में गए, डेट में गए, ऑकरिंग में गए, और यहाँ पे हमने लगाया दिस मंथ, और हमें कलर कौन सा चाहिए वो हम सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे ये यह आ गया आपका दिस मंथ अगस्त, अगस्त चल रहा है। दिस वीक, अब दिस वीक को आप इसमें खोजोगे तो मिलने से रहा। अब दिस वीक आपको यहाँ लगानी होगी। अब देखो तो आप समझो बात को, सारे कंडीशन में सब कुछ नहीं लग सकता। अब मैं यहाँ पे दिस वीक लगाता हूँ तो सारे रेड हो जाएंगे। कैसे होंगे, वही होंगे जो इस वीक के हैं। सेवन नंबर्स जो आएंगे जो भी है मुझे नहीं मालूम। मैं सिलेक्ट किया, कंडीशन में गया, हाइलाइट्स में गया, डाटा में गया, और यहाँ से मैं करता हूँ दिस वीक, ओके। कलर मुझे चाहिए रेड, रेड, सॉरी सॉरी, कस्टम में गए, रेड लगाया, ओके किया। सारे रेड कलर के जो है वो इस वीक के हैं, सेवन नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ओके। तो इस तरह से आप डेट में कंडीशन लगा सकते हो। कहाँ लगाना है कैसे लगाना है वो आपकी सोच पे डिपेंड करता है, कहाँ किस तरह का यूज है, ठीक है। सारे एक साथ नहीं लगेंगे, जहाँ जो जरूरत है वहीं लगते हैं। तो आप प्रैक्टिस करिए, और अगर कोई प्रॉब्लम है कुछ भी डिफिकल्टी फेस करते हैं तो आप मुझे कमेंट्स करें, और मुझे मेल भी कर सकते हैं आप। वीडियो को दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, जितने बार आपकी इच्छा हो देखिए, मगर प्रैक्टिस करिए, सीखना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच।